अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हिस्ट्री शीटर शराब माफिया के आतंक के डर से गांव के लोग पलायन करने को हो रहे हैं मजबूर। मामला फिरोजाबाद के गांव दिखतोली का है, जहां दो जाति विशेष के लोगों के बीच हुए मतभेद में एक विशेष वर्ग के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल बीते मंगलवार को होली के दिन कुछ जाट वर्ग के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों से मारपीट की थी। उसी को लेकर कल जाट वर्ग के लोगों ने सुशीटर शराब माफिया रामू जाट के साथ मिलकर गांव के अन्य लोगों पर पथराव और फायरिंग की। पीड़ितों का आरोप है कि सीओ और पुलिस इंचार्ज ओमपाल सिंह हिस्ट्रीशीटर शराब माफिया रामू जाट के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वे उनके खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए हमारे पर ही उत्पीड़न कर रहे हैं। पुलिस और शराब माफिया के उत्पीड़न से परेशान होकर ही लोग अपने घर को बेचकर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है गांव के पीड़ित लोगों का और उनके एडवोकेट दिनेश बेगल का। ये होली के दिन की बात है, जाट समुदाय के बच्चे थे दो चार, शराब पी के आए थे, इधर भगेलों के लड़कों को पीट रहे थे। फिर उसके बाद बड़े लोगों में खबर पहुंची, फिर बढ़ गया, फिर ईंट पथराव हुआ और उधर से जो रामू है वो शराब माफिया है, उसने ईंटबाजी की है, फायरिंग की है, तो बहुत लोग परेशान हैं। रात में शाम को कल शाम को पुलिस आई, उसने दरसे दी, कुंद गेट फेट वगैरह ईंटें मारी हैं और बोल रहे थे, गाली गलौज भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आतंक है उनका और हम फायरिंग वगैरह की है। आपकी नहीं पुलिस सुन रही है? नहीं, हमारी कोई नहीं सुन रही है। क्यों, क्या कारण है? पता, पैसा उधर से पैसा फेंकता है, दो नंबर का आदमी है, शराब का काम करता है, पैसा फेंकता है उधर से, हमारी सुनी नहीं रही है। उन्होंने सुबह आके खेत पर भतीजे वगैरह काम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने मारपीट की। आप लोगों के मकान पर अभी ये पोस्टर लगा है मकान बिकाऊ होने का, ये क्यों लगा है? इसलिए लगा है कि कल सीओ साहब ने और इंचार्ज ओमपाल सिंह ने झूठा मुकदमा लगाया और कल मेरे घर पे, मैं सांसद जी के पास सिरसागंज में था, वहाँ से यहाँ से फोन गया था, उन्होंने कही कि या तो सीओ साहब ने और पुलिस वालों ने बहुत अत्याचार कर रहे हैं, 3 घंटे तक आतंक पूरे मोहल्ले में होता है, मेरे घर पे मेरी बहन, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे। क्या कारण है कि उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप पर कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो पैसे मिले हुए माफिया है, वो तो शराब माफिया। कौन है? रामू जाट। अच्छा, क्या है वो? क्या शराब का? शराब का, शराब माफिया। क्या पुलिस को पैसे देता है? क्या पैसे देता है पुलिस को? वो तो इसीलिए कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो कार्रवाई नहीं करता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। एक बात है, मैंने FIR उसके खिलाफ थाने में की, मैंने थाने में रिपोर्ट कर, मेरी नहीं लिखी कि ओमपाल सिंह ने अपनी तरफ से उनके नाम और हमारे नाम मिला के उसमें करके मुकदमा काम करा दिया हमारे। कितने मकानों पे अभी ये पोस्टर लगे हैं और कितने मकान? कम से कम 10-15-20-25 लोगों के लगे हुए, 20-25 मकान जो है वो पलायन को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल मजबूर है सर। क्या क्या कर रहे नहीं दे रहे साहब, बच्चे हर खेतों पे जा रहे हैं तो बच्चों को छेड़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ने जा रही हैं तो लड़कियों को छेड़खानी करते हैं, घर में से लड़कियां खींच रहे हैं। पुलिस नहीं सुनती आपकी? पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही है, पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? पैसा 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 काम करके 3 लाख रुपया महीना जाते हैं भाई। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।